फिर हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक फसल कायम कि कैसे पता चले कि इस बंदे की जिंदगी में या उस बंदे को पता चले कि मेरी तौबा हो गई है। तौबा की पहचान कैसे हो, तौबा के हो जाने की अलामत क्या है? फरमाया अगर तौबा के हो जाने की अलामतें उसमें जाहिर हो जाएं तो वो समझ रहे कि कबूल भी हो गई है। चार अलामतें हैं तौबा के होने की, जैसे मैंने अर्ज किया तीन शरायत थी अभी, उससे कबल बयान किए इसके अरकान और फराइज थे और इसके आदाब थे और सुनन थी। अब मैंने अर्ज किया कि इसकी चार अलामतें हैं, ये हुजूर सैयदना गौसुल आज़म का फरमान है कि जिनसे पता चलता है कि हमने, मैं बंदा जानता है कि मैंने तौबा कर ली है। सिर्फ कलिमात नहीं है, आपने देखा कहीं कलिमात का जिक्र नहीं आया। वो फरमाया कि तौबा की अलामत है कि बंदा फिर जब तौबा करे तो देखना यह है कि उसकी जुबान झूठ बोलने और गीबत करने से रुक गई है या नहीं। उसकी जुबान पर फिर अगर झूठ गीबत और लगवियात आती हैं, दूसरों के उन मामलात का जिक्र करता है जो इसके लिए रेलिवेंट और नेसेसरी नहीं थे, इसको जरूरत नहीं थी दूसरे के मामले में टांग अड़ाने की, उस पर बात करता है, झूठ बोलता है, धोखादही करता है, गीबत करता है। फरमाया अगर ये चीजें जुबान पर रहें तो उसे जान लेना चाहिए कि मेरी तौबा नहीं हुई। तौबा होने की पहली अलामत यह है कि जुबान पाक हो जाए, और जुबान पाक होने का मतलब कि झूठ बोलना छोड़ दे। अब झूठ बोल रहा है या सच, ये बोलने वाले को खुद पता होता है, सुनने वाले को नहीं पता होता। बोलने वाले को तो मख्फी नहीं है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूं, उसे जब पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं और स्टिल झूठ बोल रहा, वो समझ ले कि मेरी तौबा नहीं हुई, मैंने अल्लाह के साथ भी झूठ बोला, मैंने जब कहा मेरे अल्लाह मुझे माफ कर, मेरे अल्लाह मेरी तौबा, मेरे गुनाह माफ कर दे, तो गोया उसे मालूम होना चाहिए कि मैंने अल्लाह से भी झूठ बोला, अल्लाह के साथ भी धोखा दे की। क्योंकि अगर उसने तौबा की होती तो फिर जुबान पर झूठ ना आता, गीबत ना आती, चुगली ना आती, किसी की ऐब जोई और ऐब गोई ना आती, और किसी के काम में मुफ्त में मुदाखलत करने का जो लग कौल है ये ना आता। ये पहली आसानी। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म फरमाते हैं कि दूसरी अलामत तौबा के होने की ये है कि उसके दिल में किसी के लिए हसद ना रहे और दिल में किसी के लिए अदावत और बुग्ज ना रहे। तौबा करने के बाद के अपने कल्बी हालात पर गौर करो, जान लेने के लिए कि ये एक फेल था, कलिमात तौबा थे जो हम अदा करते हैं, आया इन कलिमात से अल्लाह के हुजूर हमारी तौबा हुई या नहीं हुई, इसको जानना जरूरी है। और किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरी तौबा हुई या नहीं, इसका फैसला बंदा खुद करता है अपने मन में। अगर वो खुद जिंदगी में झूठ बोलना छोड़ दे, गीबत छोड़ दे, चुगली छोड़ दे, और दूसरों की इज्जत और मामलात में जुबान खोलना छोड़ दे, तो समझे एक अलामत है उसको मिल गई खुशगवार कि हाँ तौबा हो गई। नंबर दो, फिर अपने दिल को देखे, पहले जुबान को देखे, पता चल जाएगा कि जुबान बता देगी कि तौबा हुई या नहीं, फिर दिल को देखे। अगर जुबान की हो गई तो दिल में झांके कि दिल में किसी के लिए हसद है या नहीं, किसी के लिए बुग्ज़ और अदावत है या नहीं। अगर दिल किसी के लिए बुग्ज़ और अदावत फील करता है, हसद फील करता है, तो इसका मतलब है तौबा दिल तक नहीं पहुंची और तौबा नहीं हुई। तीसरी अलामत आपने बयान फरमाई कि बुरे सोहबतों और संगतों को छोड़ दे। तौबा के बाद जो मैंने पहले बयान की थी वह हुजूर सैयदना गौसुल आज़म ने तौबा की अलामत में भी दर्ज किया और तौबा की शर्त में भी दर्ज फरमाया कि अगर तौबा करने के बाद उसी संगत में बैठता है जहां से उसने गुनाह लिया था, उसी सोबत को इख्तियार करता है जहां से गुनाह की लत पड़ी थी, उसी दोस्ती में जाता है जहां से गुनाह की आदत पड़ी थी, तो इसका मतलब है उसकी तौबा नहीं हुई, उसने मकारी की है। फरमाया कि जो बुरी सोबतें और बुरी दोस्तियां और बुरे ताल्लुक और बुरी मजलिसें उनको छोड़ दे।
और चौथी अलामत यह कि बंदा देखे कि अब तौबा करने के बाद मेरे अंदर इबादत की रग़बत आई है या नहीं, आखिरत की रग़बत बढ़ी है या नहीं, नेक कामों के लिए ज़ौक शौक में इजाफा हुआ है या नहीं। अगर इबादत में, ताअत में, तिलावत में, किरात में, नात में, जिक्र में, तस्बीह में, नेकी में, भलाई में, एहसान में, लोगों की खैर के उमूर में अगर उसकी तबीयत का ज़ौक और शौक बढ़ गया है तो समझ ले कि उसकी तौबा हो गई और तौबा ने असरात डाल दिए। ये उसकी अलामत है। ये थी तौबा के होने की अलामतें। अब इसके बाद आपने ये भी बयान फरमाया कि औलिया हुजूर सीधना गौसुल आजम रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं ये चार अलामतें इसलिए बयान की, फरमाया कि तमाम औलिया ने, सूफिया बुजुर्गान ने, दीन ने ये फरमाया है कि तौबा के मकबूल होने की अलामतें चार हैं। ये मुझसे आगे पहले अपना कौल दिया है, अब फरमाया कहा गया है सब अहलुल्लाह ये कहते हैं कि तौबा की मकबूलियत की चार अलामतें हैं। एक ये कि असाब फिस्क से अपना ताल्लुक काट दे, जिन्होंने फिर वही बात जो मैंने पहले की, जिन्होंने उसे गुनाह पर आमादा किया था, जिन्होंने, जिस सोबत ने उसे उस पर गुनाह का करना आसान कर दिया था, जिस ताल्लुक और दोस्ती ने उसे गुनाह का जौक और शौक पैदा कर दिया था, या गुनाह इतना भारी पहाड़ की तरह उसे हल्का करके मक्खी मच्छर की तरह दिखाया था और वो शेर हो गया था, गुनाह के करने पर जुरत आ गई थी, उन असाबुल फिस्क को, उन सोबतों मजलूसों को छोड़ दे। और दूसरी चीज अलामत यह है कि जमी जुनूब से, गुनाहों से कट जाए और ताअतों से जुड़ जाए, आइंदा नाफरमानी से कट जाए और अल्लाह की फरमा बरदारी और ताबे फरमानी से जाए। अलामत यह कि दुनिया की जो फरहत है, रग़बत है, चाहत और शहवत है उसके असरात दिल में खत्म हो जाएं या कम हो जाएं और आखिरत की तरफ दिल रागिब हो जाए, आखिरत के आमाल ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएं उसकी जिंदगी में। और चौथी शर्त ये, वो अपनी जिंदगी में खुद को देखे कि वह अहकाम इलाही में मशगूल होता जा रहा है, ज्यादा मस्जिद की तरफ आता है, ज्यादा नेक मजालिस की तरफ आता है, जिक्र की मजलिसों की तरफ आता है, ताआत के उमूर की तरफ आता है, अल्लाह के काम की तबलीग करने, दावत देने की तरफ ज्यादा उसको जौक मिलता है, अपने मिशन के काम में रहमत और शौक उसको मिलता है, नेकी के काम में शौक मिलता है, लोगों की भलाई, उनका एहसान, गरीबों की मदद करना, मोहताजों को खुश करना, मजलूमों की मदद करना, भूखे को खाना खिलाना, कमजोर को ताकत देना, मदद करना, इंसानियत की खिदमत करना, इन चीजों में उसको राहत मिलती है। अब जुल्म से उसकी तबीयत हट गई है, ना इंसाफी से हट गई है। अगर यह तब्दीली जिंदगी में महसूस करे तो वो महसूस करे कि मेरी तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। जब यह चीज हो जाए तो आप फरमाते हैं आखिर पर अल्लाह पाक उसको चार करामतें अता फरमाएगा। अगर ये मुकाम नसीब हो जाए तो अल्लाह ताला उसको चार करामतें अता फरमाता है। एक तो अल्लाह पाक उसके सारे गुनाह इस तरह मिटा देता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं था, उस पर इतलाक होता है अत्ताएबु मिनज़म्ब कमन ला ज़म्ब लहू, कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है, ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं था। उससे मुराद वो नहीं जो कलिमात तौबा अदा करता है, नहीं, वो ये तौबा का माना है जो बयान किया, जो नादिम होकर गुनाह को और गुनाह की सोहबतों को, गुनाह की मजलसों को, गुनाह की रगबतों को तर्क करके अल्लाह की तात और इबादत और तकवा के जौक के साथ अल्लाह की तरफ आ जाए, जिसकी जिंदगी तब्दील हो जाए। जहां से गुफ्तगु का मैंने आगाज किया था कि तौबा वो है कि जो जिंदगी को बदल दे, जिन कलिमात ने जिंदगी को बदला नहीं वो भी एक नेकी है। अल्लाह से माफी मांगना ये भी एक नेकी है, एक तात का अमल है। जैसे आदमी हजार हा नेकियां भी जिंदगी में करता है, गुनाह भी करता रहता है, तो नेकियों में एक नेकी कर ली, रोया, गुनाह माफ हो गया, रोया, अल्लाह से माफी मांगी, ये एक इबादत है। तो ये एक इबादत, ये इस्तिग़फ़ार है, इसको कहते हैं इस्तिग़फ़ार। कुरान मजीद में जा बजा आया है इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह से और तौबा करो, जा बजा आया अल्लाह से माफी मांगो और उसकी तरफ तौबा करो,
इन दो को अल्लाह पाक ने जुदा बयान किया है कई मुकामात पर। अंबिया कहा करते उम्मतों को अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, यानी मग़फ़िरत तलब करो और तौबा करो। ये जो हम करते हैं हाथ उठाकर, ये इस्तिग़फ़ार है, हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। तौबा करना इससे अलग एक हकीकत है। माफी मांगने के बाद तौबा वो नदामत है, वो तब्दीली है, वो तर्क गुनाह है, वो इख्तियार इताअत व तक़वा है, जिससे पूरी जिंदगी का मिजाज बदल जाता है, जिंदगी का रुख बदल जाता है। अगर वो तब्दीली वाके ना हो तो इसका मतलब है इस्तिग़फ़ार किया, तौबा नहीं की।